पार्ट एक, आया बसंत। दिन को सूरज लगा चमकने, हवा लगी अभी सरसर बहने, पत्ते पीले पड़े पेड़ के झड़ते, हवा संग है उड़ते। ऋतु बसंत का स्वागत करने, नई कोपले सजी पेड़ पर, सेमल खिलता लाल फूल से, टेसू फूला डाल डाल पर, नई बौर छा गई आम पर, महुआ बहता सुबह टपक कर, कोयल पंचम सुर में गाती, मीठा मंगल गान सुनाती, कूक कूक कर डाली डाली सबके कानों में कह जाती, ऋतु बसंत छाई मतवाली, कचनारों का झटा निराली, सरसों फूली पीली पीली, बीच खिली है असली नीली, सरसों खेत बसंती रंग का, हवा चली पीला रंग लहरा, मेला लगा रंग खुशबू का, फागुन है या जादू क्या, कड़ी ठंड ना गर्मी ज्यादा, तन मन फुर्ती से भर जाता, खट मिट्ठी बेरों की झाड़ी, लदी फलों से झुकती डाली, कच्ची यमिया खट्टी खट्टी, इमली भी अब मिलने लगती, ठंडा शरबत अच्छा लगता, मुश्किल से अब नींबू मिलता, घड़े सुराही बिकने आते, सौंदा ठंडा पानी लाते, पतली ककड़ी हरा पुदीना, दही मट्ठा अब खाना पीना, शाम खुले में अच्छा लगता, हंसना खिलकर खूब महकना, ये सुख थोड़े दिन के, आगे गर्मी के दिन लंबे, अभी पढ़ाई सिर पर भारी, छोड़ो सभी मजे की बातें, करो परीक्षा की तैयारी, फिर तो लंबी छुट्टी होगी, सारे दिन तब मौज रहेगी। पार्ट दो, वो शख्स। मैंने और मेरे ट्यूशन के दोस्तों ने पिछली ही रात को ही तय कर लिया था कि रविवार को सुबह सुबह ही गर्मी से छुटकारा पाने के लिए पुष्प विहार के चर्च वाले पार्क पर जाएंगे। गर्मियों की उस सुबह तेज हवा और उसके साथ उड़ रहे पेड़ के पत्ते सुकून पहुंचा रहे थे। हम सभी सुबह सुबह सही समय पर पार्क में मिले और एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए बैठ गए। अभी हम बैठे ही थे कि मुझे एक बेंच पर घुंघराले बालों वाला एक आदमी दिखा। उसकी लाल लाल आंखें उसका गुस्सा दिखा रही थी। उसका गोरा रंग भी उसके गुस्से को उभार रहा था। वो मुझे घूरने लगा। मैं जब से पार्क में आई थी वो तभी से वहां बैठा था और शायद तभी से मुझे घूर रहा था। मेरा चेहरा जैसे ही उसकी ओर घूमता, उसकी वो लाल आंखें टकटकी लगाए मेरी ही ओर रहती। उसके कानों में वो बालियां जो उसके घुंघराले बालों में उलझी हुई थीं, उसकी गहरी लाल आंखें और बड़े बड़े होठों ने मुझे डरने पर मजबूर कर दिया था। अब मैंने सोच ही लिया था कि उस ओर देखूंगी ही नहीं। मैंने आंखें बंद कर ली और प्रकृति की खूबसूरती का मजा लेने लगी। पेड़ के ऊपर रंग बिरंगी चिड़ियां, पार्क की सीमा पर लगी हुई झाड़ियों के फूल, बेशक उन फूलों में खुशबू नहीं थी, लेकिन वे अपनी खूबसूरती से किसी के भी मुरझाए हुए मन को खिला सकते थे। मेरा गुस्सा भी अब प्रकृति की बनावट को देखकर मानो गायब ही हो गया था। मैं आंखें बंद करके ये सब महसूस ही कर रही थी कि इतने में दूर से कुछ आवाजें आईं। मैंने आंखें खोली तो सामने हमारे ही बैच के कुछ लड़के हाथों में बॉल बैट व रस्सा लिए आ रहे थे। वो सुबह से खेल रहे थे और थक चुके थे। वे भी हमारे ही पास आकर बैठ गए। तभी भाई ने अपनी उंगली को मुंह पर रखते हुए चुप होने का इशारा किया। मुझे लगा, अरे अब क्या हुआ? तो मैंने भी अपने दाहिने हाथ को घुमाकर पूछा, क्या हुआ? तभी प्रिया दी ने उंगली का इशारा मेरे बराबर में किया। जब मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो नैन्सी सोई हुई थी।
सरफराज थोड़ा आगे आया और नैन्सी के कानों में तेजी से कुकड़ुक्कू कहकर चिल्लाया। नैन्सी फिर राटे से उठी। उसका वो डर और थोड़ा थोड़ा गुस्सा उसकी उन मोटी मोटी आंखों में साफ दिख रहा था। सरफराज ने अपने चुलबुले अंदाज में कहा, नैन्सी रानी, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। नैन्सी थोड़ा रुक कर बोली, उठूं क्यों, मैं सो थोड़ी रही थी। मैं तो, हाँ हाँ, तुम सो थोड़ी रही थी, खुली आंखों से सपने देख रही थी। वो तो हम ही उल्लू हैं जो तुम्हें सोए हुए देख रहे थे, सरफराज नैन्सी की बात काट कर बोला। सरफराज की उस चुलबुलाहट से सब हंस दिए। तभी भाई ने अपने हाथ की हथेली को सिर पर मारते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ, तुम तो सब यूं ही लड़ते झगड़ते रहा करो, ये सब बातें छोड़ो और बताओ आप खेलें क्या। चलो चलो भाई, आपका मनपसंद खेल आग में चोली खेलते हैं, जागृति अचानक से बोली। नहीं नहीं, तुम लोग यहां वहां दूर दूर भाग जाओगे, कोई भी पकड़ नहीं पाएगा, भैया ने चेहरा समेटे हुए कहा। तो भाई फिर रस्सा टापते हैं, सारे लड़कों ने तेजी से कहा। भैया, अगर आज हमने रस्सा टापा तो घर अपने पैरों से नहीं जा पाएंगे और हाथ मुंह टूटेंगे सो अलग। भैया, मेरी मम्मी तो 2 रुपये भी मुश्किल से देती है, हाथ पैर टूटने पर पट्टी आपको ही करानी होगी। बस फिर क्या था, प्रीति ने लड़कों को इस बात पर डरपोक डरपोक कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। डरपोक हम नहीं, आप सब हैं, लड़कों की ओर से आवाज़ आई। अगर तुम डरपोक नहीं होते तो रस्सा टापने को मना नहीं करते। उन लोगों की ये नोक झोंक चल ही रही थी कि इतने में विशाल भाई के पीछे से भूरे रंग का कुत्ता भौं भौं करते हुए भागता हुआ आया। उस कुत्ते को यूं अचानक से प्रकट होता देखकर वहां पसरी पूरी मंडली उठकर भागने लगी और तितर बितर हो गई। कोई पटरी पर था तो कोई बेंच के ऊपर। तभी उस कुत्ते का मालिक मोती पुकारता हुआ आया और उसे गोद में उठाकर ले गया। उस कुत्ते का वो इंसानी नाम सुनकर सभी खुद को रोक नहीं पाए और पेट पकड़कर हंसने लगे। पार्ट 3, मुर्गे की बांग। एक था मुर्गा, नाम था खून। पता है क्यों? क्योंकि वह कुकड़ू कू की जगह करता था कुकड़ू खून। खून देखने में बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा बड़ा सा, एकदम सफेद रंग का। उसकी सुंदर सी लाल रंग की चोंच थी और सिर के ऊपर लहराती हुई कलगी। खून बड़ा चतुर भी था। एक लोमड़ी बहुत दिनों से उसे पकड़कर खाने की ताक में थी, लेकिन हर बार खून उससे बच निकलता था, इसलिए खून अपने आप को बहुत ज्यादा चतुर समझने लगा था। एक दिन पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाल पर बैठने ही वाला था कि अचानक जोर से हवा का एक झोंका आया और खून ऊपर से गिर पड़ा। उसे देखकर सभी जानवर हंसने लगे। कुत्ता भों हों हों करके हंस रहा था। बताओ बकरी कैसे हंस रही थी और घोड़ा कैसे हंस रहा होगा। खून को गुस्सा आ गया, उसका चेहरा फूल गया और आंखें लाल हो गईं। वह कॉक कॉक करके सोचने लगा, ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, सुबह होने दो, इन सबको बता दूंगा। अगले दिन तड़के ही मुर्गा उठ गया। इतनी सुबह थी कि अभी सूरज तक नहीं जागा था। खून ने अपने पंख से अपनी आंखें मली, जोर से अंगड़ाई ली, फिर वह अपनी गर्दन लंबी करके जोर से कुकड़ू खू चिल्लाने ही वाला था कि रुक गया। उसने कुकड़ू खू नहीं किया। उसे याद आ गया कि कैसे कल सब जानवर उस पर हंस रहे थे। खू ने सोचा, अब देखना, अब पता चलेगा इनको मेरे ऊपर हंसने का क्या मतलब होता है। जब मुर्गे ने कुकड़ू खू किया ही नहीं तो कोई जानवर जगा ही नहीं। भला मुर्गे की बांग के बिना कोई कैसे जागता, सभी जानवर सोते रह गए। धीरे धीरे सूरज उगा, पहले वह दूर के पहाड़ों के ऊपर आया, अब उसका चेहरा पेड़ों के ऊपर भी दिखाई देने लगा।
लेकिन अभी भी सारे जानवर सोते ही रहे। सोते सोते वे खर्राटे ले रहे थे। कुत्ता कर रहा था भौर भौर, बताओ बकरी कैसे खर्राटे ले रही होगी और घोड़ा कैसे खर्राटे ले रहा होगा। धीरे धीरे सूरज और भी चढ़ गया। अब मुर्गे को भूख लगी। उसने इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। फिर उसे याद आया कि घोड़े के लिए बहुत सारे चने रखे होंगे। खू हमेशा कोशिश करता था कि घोड़े के लिए रखे चने खा ले, लेकिन घोड़ा खाने ही नहीं देता था। आज खू को लगा कि घोड़ा तो सो रहा है, इसलिए अब मौका है। मुर्गा पेड़ से उतर आया और चने खाने लगा। उसने खूब चने खाए। खाता गया, खाता गया, खाता गया। इतना खाया, इतना खाया कि वह फूल कर एकदम गेंद की तरह गोल मटोल कुप्पा हो गया। उसने एक बड़ी सी डकार ली और थप से बैठ गया। अब उससे चलते ही नहीं बनता था। इतने में वहां लोमड़ी आई। लोमड़ी ने देखा, अरे वाह, मुर्गे से तो चलते ही नहीं बनता है, अब बचकर कहाँ जाएगा। मुर्गा बेचारा बुरी तरह घबरा गया। उसने डर के मारे एकदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उससे तो हिलते ही नहीं बना। अब लोमड़ी उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका मुंह खुला हुआ था। उसके पैने पैने दांत चमक रहे थे। लाल लाल जीभ लपलपा रही थी और मुंह से लार टपक रही थी। मैं तुमको खा जाऊंगी, लोमड़ी ने कहा, मैं तुमको खा जाऊंगी। लोमड़ी और भी पास आ गई। खू को उसकी काली नाक और चमकती आंखें दिखने लगी। लोमड़ी खू पर झपट कर उसकी गर्दन दबोचने ही वाली थी कि अचानक मुर्गे को कुछ याद आ गया। वह जोर से चिल्लाया, कुकड़ुकू। यह सुनते ही सभी जानवर जाग उठे। उन्होंने देखा कि लोमड़ी मुर्गे पर झपटने वाली है। कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आया और जोर से लोमड़ी की पूंछ काट खाई। बकरी दौड़ती हुई आई और लोमड़ी की जोर से सींग मार दिए। घोड़ा दौड़ता हुआ आया और लोमड़ी को इतनी जोर से दुलती मारी कि लोमड़ी गुलाटी खाती हुई हवा में उछल पड़ी। जमीन पर वापस गिरने के बाद वह वहां से जो भागी कि अभी तक नहीं दिखी। उस दिन के बाद से मुर्गा भी रोज समय पर कुकड़ुकू करता चला आ रहा है। पार्ट 4, बिनिया। स्कूल से आकर आज बिनिया ने न रोज की तरह बैग एक तरफ पटका, न क्या बनाया है कि जोर से टेर लगाई। उसने कपड़े बदले और सीधा बागीचे में जा बैठी, आम के पेड़ की छांव में। ऊपर से गौरैया की चीची, कौवे की काव काव सुनाई दे रही थी। बीच बीच में कोयल की कुह कुह भी कानों में पड़ जाती। गिर गिर चीटे, मकौड़े, मकड़ियां सभी थे, अपने अपने कामों में लगे हुए। चार दिन पहले बोए धनिये से छोटे छोटे पौधे फूट रहे थे। गुलाब की कलियां कल से ज्यादा खिली लग रही थी। गेंदे कल से ज्यादा मुरझाए थे। जब जब हवा चलती तो पेड़ के पत्ते झरने लगते। कोई और रोज होता तो बिनिया इन सब के कामों में जरूर दखल देती, पर आज वो चुपचाप बैठी थी, सबको देखती। ऐसे देखती जैसे पहली बार देख रही हो, ऐसे सुनती जैसे पहली बार सुन रही हो। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद अम्मा दोनों का खाना लेकर वहीं आ गई, आम की छाँव में सबके बीच। ये सांप क्यों सूंघा हुआ है हमारी बिटिया को आज, अम्मा मुस्कुराते हुए बोली। कोई और दिन होता तो बिनिया ज़रूर पूछती, ये खाने के बीच सांप कहाँ से आ टपका। पर आज रोज़ जैसा दिन नहीं था। बिनिया चुपचाप खाने लगी। नन्ही फुदकी मधुमालती के फूलों में अपनी पैनी चोंच घुसाकर रस पी रही थी। गौरैया पेड़ से उतरी, चार दीवारी पर बैठी थी।
कभी दाना खाती, कभी पानी पीती। इन सब के बीच बिनिया चुपचाप बैठी थी। सबका लंच टाइम हो रहा है ना बिनिया? हमेशा बोलने वाली बिनिया की चुप्पी माँ को अखर रही थी। इतने में आम की झाल से उतरते मकौड़ों की कतार को देख बिनिया बोली, अम्मा मकौड़े की भी क्या आंखें होती हैं? हाँ होती तो है, पर खाने की चीज़ों का पता वे सूंघ कर लगाते हैं। सूंघने से पता चल जाता है कि खाना कहाँ है और वे झट वहाँ पहुँच जाते हैं और औरों को भी उसकी खबर दे देते हैं। सांप भी आग से नहीं देखता, हमारे चलने से ज़मीन कांपती है, उसी से पता करता है कि कोई आ रहा है। तो अम्मा क्या सिया भी ऐसा ही करती है? कौन सिया? आज मैं स्कूल से आ रही थी तो मुझे सिया मिली। उसके हाथ में एक छड़ी थी, वो उसे इधर उधर हिलाती और चलती जा रही थी। मैं उसके साथ साथ चलने लगी, उसे दिखाई नहीं देता। अम्मा मुझे बहुत डर लगा, रास्ते में कितनी गाड़ियाँ चलती हैं। हम थोड़ी देर तक साथ चलते रहे। वो अपने स्कूल के बारे में बता रही थी, अपनी किताबों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपनी टीचरों के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में। फिर उसके घर का मोड़ आ गया। मैंने कहा मैं साथ चलती हूँ, तो वो बोली, मैं तो रोज़ ही अकेले आती जाती हूँ, अपन अब रोज़ मिलेंगे। और वो चली गई। बिनिया की आवाज़ में अब भी डर कांप रहा था। देखना सिर्फ आग से ही नहीं होता, सूंघ कर, छू कर, सुन कर भी देखना होता है। और जब आँख नहीं देख पाती तो नाक, कान, छुअन पर देखने की जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है। तुम सिया को अपने बगीचे में लाना, देखना बगीचे से उसकी दोस्ती तुम्हारी दोस्ती से कम नहीं होगी। अचानक फुदकी उठ ली। फूलों का रस पीते पीते वो इतना नीचे आ गई थी कि पता ही ना चला। बिल्कुल पास बिल्ली बैठी दूध सुड़क रही थी, पर बिल्ली के सिर उठाने से पहले वो उड़ गई। बिनिया सब कुछ ध्यान से देख रही थी और फिर खाली बर्तन उठाकर अंदर चली गई। अगले दिन स्कूल छूटते ही बिनिया भागी। उसे दूर से ही सिया पेड़ के नीचे खड़ी दिख गई थी। सिया के साथ आज उसकी क्लास का आमिर भी था। दौड़ती हुई सिया पेड़ के पास पहुंची और तीनों चल दिए। आज बिनिया का मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मालूम है गोरैया दाना खाने से पहले इधर देखती है फिर उधर। अरे भाई, दाना खा रहे हो या सड़क पार कर रहे हो? अब तो गेंदे का मौसम गया समझो, फूल कैसे मुरझा गए हैं। पर गुलमोहर ने बोरिया बिस्तर बांधकर आने की तैयारी कर ली है। अमलतास ने भी सेमल, प्लाश, टाटा बाय बाय कर रहे हैं। और वो फुदकी रस पीते पीते एकदम नीचे आ गई थी और नीचे पता है शेर की मौसी बैठी दूध पी रही थी। कहते हुए बिनिया ने बैग में से प्लाश, सेमल के कुछ फूल सिया और आमिर के हाथों में रख दिए। कितने सुंदर और मखमली हैं, सिया बोली। हाँ, प्लाश के फूल से तो मैं रंग बनाती हूँ। बिनिया की बात को बीच में काटते हुए आमिर बोल पड़ा, अरे सुन, अपनी फुदकी से कह देना कि ध्यान रखे, कहीं रस समेत बिल्ली के पेट में ना चली जाए। सेमल के फूलों को वो इस अंदाज से हाथों से पकड़ता हुआ बोला कि तीनों जोर से हंस दिए। पाठ पाँच, सूरज का मामा। संभल के बच के देखो भैया, लपक तमतमाता आया है। वह गुस्सैला गर्मी आंधी तूफानों से भरकर थैला, कुर्ता तुड़ा मुड़ा सा मैला, तपती धूप भरी आंखों में, जी भी पानी पीने भरने लाल लाल मटके लेकर सूरज का मामा। जाने कौन दिशा से आ धमका है, नदी पोखरे पर यों आ भमका है।
मंद हवा की छीन तरावट पानी पानी मची दुहाई। देखो इसकी लापरवाही बेचैनी से छूटा पसीना। हारे पंखा भैया बकरी भेड़ रंभाती गैया। सूखे पनघट ताल तलैया तड़प रही गौरैया। मैना हाफे दूर क्षितिज पर धरती कापे। हरियाली तो कहीं रसाताल नापे सन 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 लू के झोंके। उफ बे मौके कोई रोके धूल उड़ता ज्वाल उड़ता पेड़ गिरता नमी चुराता भूख मिटाता प्यास बढ़ाता रात छाड़ता नींद बांटता खुल खुल खासे सनकी बूढ़ा करकट कूड़ा आया आया बड़ा निगोड़ा यह सूरज का मामा। पाठ छः तेनाली रामन। पहले राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे लोग भी होते थे जो अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। ऐसे लोगों को विदूषक कहते थे। तेनाली रामन भी इसी प्रकार का विदूषक था। उसका असली नाम तो रामन था पर तेनाली गांव का रहने वाला था इसलिए उसे तेनाली रामन कहते थे। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान तथा चतुर था। शब्दों का तो वह जादूगर था। शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर वह लोगों को चकित कर देता था। सब उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। लोगों को विश्वास था कि रामन एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। उन दिनों विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का बहुत बड़ा नाम था। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रामन ने भी उनके दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। यद्यपि इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी खेल ना था पर रामन अपने निश्चय पर अडिग था। एक कहावत है जहां चाह वहां राह। उन्हीं दिनों कृष्णदेव राय के राजगुरु धटाचार्य तेनाली के पास ही के गांव में छुट्टियां बिताने आए हुए थे। रामन उनके पास पहुंचा और अपनी इच्छा प्रकट की। धटाचार्य ने रामन की सहायता करने का वचन दिया। रामन ने उनके पास रहकर खूब सेवा की। कुछ दिनों बाद धटाचार्य राजधानी लौट गए। रामन काफी दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा पर धटाचार्य का कोई संदेश नहीं आया। अतः रामन ने स्वयं महाराज कृष्णदेव के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। उन दिनों महाराज ने कुछ विद्वानों की एक सभा बुलाई हुई थी। रामन भी उस सभा में जा पहुंचा। सभा में वाद विवाद हो रहा था। एक विद्वान कह रहा था हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि पर ये सब ऐसी नहीं हैं जैसे दिखाई देती हैं हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं। दूसरे विद्वान इस बात पर विचार कर रहे थे कि अचानक रामन खड़ा हो गया। उसने उस विद्वान से पूछा मान लीजिए हम कोई चीज खाना चाहते हैं तो क्या केवल यह मान लेना ही काफी है कि हम वह चीज खा रहे हैं। हाँ विद्वान ने उत्तर दिया। अब तेनाली रामन ने कहा भाइयों भोजन तैयार है आइए हम सब तो भोजन करने चले पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है इन्हें यहीं बैठा रहने दीजिए। रामन का इतना कहता था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब वह तेनाली रामन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन महाराज तेनाली रामन की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा जाओ मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। अगले दिन तेनाली रामन अपने मुंह पर एक मुखौटा लगाकर दरबार में आया। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो वे बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनाली रामन ने नम्रता से कहा अपराध क्षमा हो महाराज
मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो अपने मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि आपको मेरा मुंह न दिखाई दे। यह सुनकर महाराज का गुस्सा भी उतर गया। तेनाली रामन के विषय के अनेक कहानियां प्रचलित हैं। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। सभी दरबारी जा रहे थे कि महाराज उन गांवों में जाएं जिनकी दशा अच्छी है या उनके गांवों में जाएं। इससे उनके गांव की मदद हो जाएगी, गांव वालों पर उनका रौब भी पड़ जाएगा। एक मंत्री बोला, महाराज इस बार आप मेरे गांव चलिए। महाराज सोचने लगे कि आखिर किस गांव में जाया जाए। उन्होंने तेनाली रामन की ओर देखा। तेनाली रामन ने कहा, महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। तेनाली रामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोग बहुत गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। वे बोले, हमें मालूम न था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी रहते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। महाराज की बातें सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। तेनाली रामन को सामने देखकर सब चकित रह गए। महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम यहां लाए थे। जिस प्रकार बिरबल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते थे, उसी प्रकार तेनाली रामन के चुटकुले भी बड़े प्रसिद्ध हैं। तेनाली रामन केवल विदूषक ही नहीं थे, वरन के तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे। आओ योग करें। याद रखिए, योगाभ्यास करते समय ध्यान रखने वाली मुख्य बातें हैं। योगाभ्यास झटके से नहीं बल्कि धीमी गति से और शांतिपूर्वक करना चाहिए। सांस और क्रियाओं के बीच मेल रखना चाहिए। हमेशा नीचे की ओर झुकते हुए सांस को बाहर छोड़ना चाहिए। अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की क्रिया न करने पर सांस सामान्य रूप से लेनी चाहिए। प्रत्येक आसन पर 10 से 15 सेकंड तक रुकना चाहिए। प्रत्येक आसन को 3 बार करना चाहिए। प्रत्येक आसन करने के बाद कुछ पलों के लिए अपनी आँखों को बंद करके आराम देना चाहिए। हर रोज 30 से 45 मिनट तक योगाभ्यास करना चाहिए। पीठ के बल, पेट के बल लेटने वाले, बैठने वाले और खड़े होने वाले आसनों में से कोई 3 आसन चुनिए और उन्हें रोज कीजिए। योगा की शुरुआत में आइए अब योग करते हैं। मैदान में चारों ओर चक्कर लगाते हुए बोलिए, जंगल में मंगल भागो भागो भागो। अब ऐसे करो जैसे ऊंचाई पर लगे फूल और पत्तियों को पकड़ रहे हो। अब जमीन पर पड़े पत्तों को उठाइए और हवा में उड़ाइए। मैदान में पड़ी डालियों के ऊपर से उछलिए और कूदिए। तेज भागते हुए अपने पैरों से कमर के निचले भाग को स्पर्श कीजिए। अब वापस घर जाने के लिए नाव पर बैठने की तैयारी करिए। आहा, हम वापस घर आ गए। कुछ देर अपनी आंखें बंद करके खड़े रहिए। 3 बार गहरी सांस लेते हुए सारी थकान को दूर कीजिए। योग का समय। दिए गए योगाभ्यास को कर्म अनुसार कीजिए। वृक्षासन। लाभ, शरीर के अंगों में मजबूती लाता है, शरीर का तनाव दूर करता है, पैरों और टखनों में लचीलापन लाता है। विधि,
सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए और पैरों के बीच कुछ दूरी बनाइए। अब बाएं पैर के तलवे को दाएं पैर के घुटने तक मोड़ते हुए रखिए। हाथों को नमस्कार की मुद्रा में सीने के सामने रखिए। अब दोनों बाहों को सिर से ऊपर की ओर ले जाइए। इसी अवस्था में कुछ देर शरीर का संतुलन बनाए रखिए। अब इस प्रक्रिया को दूसरे पैर से फिर दोहराइए। तियर्क तड़ासन लाभ, मन को शांत करता है, हाथ पेट और पीठ पर खिंचाव लाता है, शरीर को आराम देता है। विधि, सीधे खड़े हो जाइए, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए, हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए उंगलियों को आपस में जोड़े रखिए, सांस बाहर निकालते हुए कमर से दाईं ओर शरीर को झुकाइए, अब सांस अंदर लेते हुए वापस आ जाइए। इसी तरह दूसरी ओर भी करिए। त्रिकोणासन लाभ, शरीर की मांसपेशियों और जोड़ों में लचीलापन लाता है, कमर को पतला करता है। विधि, दोनों पैरों के बीच 1 मीटर का अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाइए। अपने हाथों को कंधों की सीध तक ऊपर उठाइए। सांस धीरे धीरे लेते हुए दाईं ओर झुकिए। दाएं हाथ से दाएं पैर को छूने की कोशिश करिए। जब दायां हाथ दाएं पैर को छूने लगे तब बायां हाथ आकाश की ओर रखते हुए सीधी रेखा बनाइए। अब अपने सिर को ऊपर उठाइए और बाएं हाथ की ओर देखिए। सांस अंदर लीजिए और वापस उसी अवस्था में आ जाइए। अब यही अभ्यास बाएं हाथ की ओर से करिए। इस प्रकार से यह पूरा चक्र होगा। वीरभद्रासन पीठ दर्द से छुटकारा पाने में मदद करता है, हाथ पीठ और शरीर में खिंचाव लाता है। कंधे की चौड़ाई के बराबर पैरों को अलग करके सीधे खड़े हो जाइए। दाएं पैर को बाहर की तरफ घुमाइए। दोनों हाथ जमीन के समांतर कंधों तक उठाइए। अपने बाएं पैर के घुटने को स्थिर करिए और 90 डिग्री के कोण पर दाएं घुटने को झुकाइए। कल्पना कीजिए कि आप दाएं हाथ की हथेलियों से काल्पनिक दीवार को धक्का दे रहे हैं। अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए। अब बाएं तरफ से इसे दोबारा करिए। पाठ 7, बैसाखी की बधाइयां। 25/285 मॉडल टाउन, अमृतसर, पंजाब, दिनांक 13 अप्रैल। प्रिय सखी जयप्रदा, सप्रेम नमस्ते। आशा है तुम स्वस्थ और स्नान धोगी। तुमने अपने पत्र में मुझे बैसाखी की शुभकामनाएं भेजी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बैसाखी के दिन सारे पंजाब में विशेष चहल पहल है। पंजाब के लोग बैसाखी को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। यह तो तुम्हें पता ही है कि चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगादि पर्व मनाया जाता है। महाराष्ट्र में उसी दिन गुड़ी पाड़वा मनाते हैं। मैं तुम्हें इस पत्र में बैसाखी के बारे में विस्तार पूर्वक बता रही हूँ। बैसाखी के अपने कई ऐतिहासिक एवं धार्मिक पक्ष हैं। एक तरफ इस दिन खालसा पंथ की नींव रखी जाने के कारण इस पर्व का धार्मिक महत्व है, तो दूसरी तरफ खेतों में फसलों को काटने की शुरुआत होने से इस पर्व का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। बैसाखी का त्यौहार समृद्धि और उत्साह का, जोश और धार्मिक आस्था का त्यौहार है। इस त्यौहार की उत्पत्ति मूल रूप से कृषि जीवन और खेत कलिहानों से जुड़ी हुई है। परंपरागत रूप से इसी दिन खेतों में फसलों की कटाई शुरू होती है। पंजाब में प्रायः कहा जाता है, जट्टा आई बैसाखी, कड़का दू मुख गई राखी, यानी अब तक गेहूं के खेतों की जो रात भर जाग कर रखवाली की जाती थी वह खत्म हो गई।
अब खेतों से अनाज कटकर खलिहानों तक जा पहुंचा है। यह त्यौहार मौज मस्ती का प्रतीक है। इस मौके पर मेले लगते हैं। फसलों से होने वाली आमदनी से किसान समृद्ध हो जाता है, अतः वह सपरिवार मेले में जाकर अपने शौक पूरे करता है। इन मेलों में परंपरागत खाना पीना, भागड़ा, गिद्दा और बेलियों का आयोजन किया जाता है। जया, मैं तुम्हें इस त्यौहार के एक अन्य पक्ष से भी परिचित कराना चाहती हूँ। हमारा इतिहास बताता है कि 1699 ईस्वी की बैसाखी को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने केसगढ़ साहिब आनंदपुर में खालसा पंथ की नींव रखी थी। उस दिन वहाँ एक बहुत बड़ा धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहाँ देश भर के सिख मौजूद थे। गुरु जी ने अमृत पान कराकर पहले 5 खालसा तैयार किए। दरअसल उस समय के शासकों के अत्याचारों का सामना करने के लिए ही खालसा तैयार किए गए थे। उसी मौके पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह प्रसिद्ध वाक्य कहा था, 1,25,000 से एक लड़ाऊं। खालसा पंथ की नींव रखी जाने की याद में सभी गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आनंदपुर साहिब में तो घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल के प्रदर्शन होते हैं। बैसाखी आमतौर पर किसी नए कार्यक्रम की शुरुआत, गृह प्रवेश, शादी ब्याह के लिए शुभ मानी जाती है। पंजाब में अमृतसर, तरनातरन के गुरुद्वारे सरोवरों में जाकर लोग स्नान करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, लंगर लगाते हैं। उस दिन का दूसरा ऐतिहासिक महत्व इसलिए है कि 1919 ईस्वी में इसी दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग की घटना घटी थी। इस दिन इसी बाग में बड़ी संख्या में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। इन लोगों पर क्रूर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थीं। इसमें हजारों निर्दोष भारतीयों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। 1600 गोलियों की वर्षा करने वाला जनरल डायर कुछ साल बाद अपने ही घर में पश्चाताप की आग कर मरा था। उसकी पीठ पर वरदहस्त रखने वाला उस समय का पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑडवायर इसी पंजाब के लाल उद्धम सिंह की गोलियों का शिकार बना था। इस घटना का उल्लेख करते हुए मेरी आंखें भर आई हैं। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी बैसाखी की बहुत बहुत बधाई। आशा है यह त्यौहार तुम्हारे घर को भी सुख समृद्धि से भर दे। तुम्हारी अभिन्न सखी सिमरन। पार्ट 8, समय। आदमी 3 प्रकार के होते हैं। समय पर घर पर ना मिलने वाले, समय पर किसी के घर ना जाने वाले और ना ही समय पर किसी के घर पर मिलने वाले। इसके बाद कुछ मुट्ठी भर जीवधारी बचते हैं जो समय पर घर पर मिलते हैं और समय पर दूसरे के घर भी जाते हैं। सज्जनतावश हम उन्हें भी आदमी कह देते हैं। ये असल में टाइम पीस है। ये घर में रहेंगे तो टाइम पीस देखते रहेंगे और बाहर होंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे। उन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं, इसलिए इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। चर्चा उनकी करनी है जिन्होंने सुबह 8 बजे घर पर मिलने का वादा किया था, पर वे घर पर नहीं हैं। हम उनका बैठक में इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा है। वह बीच बीच में आँख की कोर से हमें देख लेता है कि हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। हम तनाव कम करने के लिए उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं, खेल के बारे में बात कर लेते हैं। वह हमारे बड़े सवालों का छोटा सा जवाब देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहे हैं। समाचार पढ़कर विज्ञापन पढ़ने लगते हैं। बीच बीच में पूछ लेते हैं, कहाँ गए हैं? वह जवाब देता है, पता नहीं। कब तक आएंगे? पता नहीं। कुछ कह गए थे? कुछ नहीं। हम फिर अखबार देखने लगते हैं। ज़रूरी काम है। भीतर औरतें परेशान हैं, उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद है। पास ही दरवाज़ा है, भीतर से औरतों की बातें सुनाई पड़ती हैं।
यह अच्छा है, सवेरे से आकर बैठ गया है, उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे कह दिया कि घर पर नहीं है तो जाता क्यों नहीं है? है कौन ये? अरे वही है, क्या नाम है उनका, कुछ काम धाम है नहीं तो यहाँ बैठे वहाँ बैठे। पर इनकी भी तो आदत है कि जिस तिस से कह देते हैं कि घर आना, हमारा चेहरा लाल हो जाता है, कान की लोरियाँ जलने लगती हैं। मगर हमें ज़रूरी काम है, आखिर हम उठते हैं, लड़के से कहते हैं, अच्छा अब हम जाते हैं, कह देना कि हम आए थे। लड़का बहुत कम खुश होकर नमस्ते करता है और हमें विदा कर लेता है। शाम तक वे कहीं मिल जाते हैं तो चौंक कर कहते हैं, अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी ना, मुझे सख्त अफसोस है। अच्छा कल 8 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दूसरे दिन 8 बजे फिर पहुँचते हैं। बड़ा लड़का फाटक पर आकर हमारे पूछने से पहले ही कह देता है, वे घर में नहीं हैं, कहाँ गए हैं पता नहीं, कब तक लौटेंगे पता नहीं, कुछ कह गए हैं कुछ नहीं। वह फाटक तक इसलिए भागता आया है कि हम वहीं से लौट जाएं, पर हमें काम है और हम खुद फाटक खोलकर भीतर आ जाते हैं। छोटा लड़का हमें देखकर दरवाजे से चिल्लाता हुआ भीतर भागता है, ओ अम्मा वह फिर आ गया। हम बैठक में बैठ जाते हैं। बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगता है, हम कल का अखबार पढ़ने लगते हैं। लड़का मुंह छिपाकर हंसता है। छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर हमें देख जाते हैं। भीतर औरतों की बातचीत सुनाई देती है। लो वह तो फिर से आकर बैठ गया, बड़ा मट्ठर आदमी है, कह दिया कि आदमी घर पर नहीं तो जाकर अपना काम धाम क्यों नहीं देखता, कुछ काम धाम हो तो देखे। सब हंसती हैं। छोटा लड़का सारे परिवार की भावना समझकर दरवाजे पर आकर कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। हम अनसुना करते हैं। लड़का फिर कहता है, पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का उसे अनुचित समझाता है, वह उसे डांटता है, ए मुन्ने भाग यहाँ से, चुप। छोटा लड़का भाग जाता है, मगर फिर आता है, पापा बाहर गए हैं, ए मुन्ने चुप, चाटा खाएगा। मुन्ने को अब इस खेल में मज़ा आने लगा है, दरवाजे पर आकर बार बार कहता है, पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का उसे डांटता है तो वह खिलखिलाकर ताली बजाता हुआ भीतर भाग जाता है। फिर आता है, हम उठते हैं, कहते हैं, पता नहीं वे कब आएंगे, अच्छा हम चलते हैं। बड़ा लड़का बहुत खुश होता है। जब फाटक बंद करने के लिए हम मुड़ते हैं तो देखते हैं कि लगभग सारा परिवार खिड़की और दरवाजे पर है और बड़ी दिलचस्पी से हमें जाते देख रहा है। इतनी तपस्या के बाद अगर वे कभी घर पर मिल गए तो लगता है कि भगवान को पा लिया। जो लोग समय तय करके भी घर पर नहीं मिलते हैं वे मुझे भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। वे हमें अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना उबे अवमानना की अवहेलना करके अनिश्चित काल तक के लिए किसी के दरवाजे पर इंतज़ार किया जाता है। भगवान के दरवाजे पर तो कोई जन्म इंतज़ार करना पड़ता है, अगर उधर कुछ अभ्यास हो गया तो उधर आसानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि इंतज़ार से प्रेम बढ़ता है, हर क्षण वही मन में रहता है और आंखें फाटक पर बिछी रहती हैं। प्रेम का ज्ञान इसी बात से तो होता है कि कौन आपका कितना देर इंतज़ार करता है। मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं मिलने का समय तय कर लेता हूँ, पर उस वक्त हरगिज़ उनके घर नहीं जाता, या निश्चित है कि वे घर पर नहीं होंगे। समय की पाबंदी के लिए जितनी सावधानी चाहिए उससे कम कभी समय पर ना मिलने के लिए नहीं चाहिए। मैं उनके घर ऐसे वक्त जाता हूँ जब उन्हें मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं हो, और वे मिल जाते हैं। वे किसी कमेटी के सदस्य हैं जिसकी बैठक में उन्हें होना चाहिए, मगर उस वक्त वे घर पर मिल जाएंगे। जब मेरा उनसे नया परिचय था और कुछ औपचारिकताएं बाकी थी, तब उन्होंने मुझे दूसरे दिन 11 बजे खाने पर बुलाया। मैं ठीक 11 बजे पहुँच गया। मालूम हुआ कि वे घर पर नहीं थे, आते ही होंगे यह सोचकर मैं बैठ गया। 12 बज गए तो मैंने उनके लड़के से पूछा, कहाँ गए हैं? उसने कहा, कुछ पता नहीं है। कब आएंगे? कुछ बता गए हैं? नहीं। मैं बैठा रहा, जब तक 1 बज गया तब लड़के ने कहा, आपको कुछ ज़रूरी काम होगा? मैं उसे कैसे बताता कि क्या काम है,
मैं अलबत्ता इतना समझ गया कि इस परिवार में मेरे लिए भोजन का कोई प्रबंध नहीं है। मैं थोड़ी देर और बैठकर उठ गया। शाम को मुझे मालूम हुआ कि जब मैं उनके घर बैठा था तब वे खुद दूसरे के घर भोजन कर रहे थे। मुझे मिले तो बहुत दुखी हुए, कहने लगे, अरे बड़ी गलती हो गई, मैं भूल ही गया, फलां के यहाँ बैठा था, उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैंने वहीं खाना खा लिया। अच्छा, अब कल ज़रूर आ जाना। कई सालों के उनके साथ के अनुभवों से मैंने सावधानी की दीवार अपने आसपास खड़ी कर ली थी। वे जिस वक्त घर पर मिलने का वादा करते उस वक्त मैं कभी नहीं जाता, और जब वे मेरे घर आने की बात तय करते तब मैं बेखटके बाहर घूमता। मुझे विश्वास था वे उस वक्त नहीं आएंगे। उन्होंने शाम को 7 बजे आने का कहा तो सुबह 8 बजे तक भी आ सकते हैं, वे घर से इधर आने के लिए ही निकलेंगे, पर रास्ते में जो मिल जाएगा उसी के हो जाएंगे, उससे बातें करने लगेंगे, उसके घर चले जाएंगे, वहाँ खाना खा लेंगे और तब उन्हें याद आएगा कि किसी से मिलने का वक्त तय किया था। वे हड़बड़ाकर भागेंगे पर रास्ते में कोई मिल गया तो उसी के साथ हो लेंगे। लेकिन कई सालों बाद मेरी सावधानी की दीवार फिर टूटी। हमारे एक मित्र का तबादला हो गया। मित्र से उनके भी अच्छे संबंध थे, मिले तो भावुक हो उठे। अरे अब ना जाने कब मिलना होता है, इतनी दूर चले जाओगे, कब जा रहे हो, मित्र ने तारीख बताई। वे बोले, तो कल शाम को हमारे साथ भोजन करो, तुम और परसाई दोनों आ जाओ, देखो भूलना मत, मैं राह देखूंगा। मेरे मन में खटका तो हुआ, पर वह भावुकता और आत्मीयता के सामने मैं भी गाफिल हो गया। दूसरे दिन शाम को हम उनके घर पहुंच गए, वे घर पर नहीं थे। हम दोनों अब सचेत हो गए। मित्र ने कहा, यार उन्हें जानते हुए भी तुमने कल हाँ कह दिया। मैंने कहा, निमंत्रण तो तुम्हारा था, मैं बाधक क्यों बनता। उसने कहा, लेकिन हम आ क्यों गए, हाँ कह देते पर आते नहीं। मैंने कहा, पर उन्होंने भोजन का प्रबंध करवा लिया हो तो फिर ना आना कितना बुरा होता। उसने कहा, कहाँ प्रबंध करवाया होगा यार, लड़के से पूछ लो ना। मैंने लड़के से पूछा, क्यों वे कुछ कह गए हैं। वह बोला, जी नहीं वे तो कुछ नहीं कह गए हैं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और उठ खड़े हुए। रास्ते में किसी ने बताया कि वे अमुक जगह बैठे हैं। हम वहां पहुंचे। इसके पहले कि मैं उनसे शिकायत करूं, वे उस मित्र से बोले, तो कब जा रहे हो, देखो भाई जाने से पहले हमारे साथ भोजन ज़रूर करना, बोलो कब आ रहे हो, कल शाम को ही आ जाओ। वे इस तरह बोले जैसे उन्हें तबादले का समाचार अभी मिला है। अब हम पूरी तरह रक्षा के लिए तैयार थे। मित्र ने कहा, आजकल मेरा बिल्कुल अनिश्चित है, इसलिए समय तय करना ठीक नहीं होगा, मैं किसी भी दिन आ जाऊंगा। वे बोले, हाँ हाँ कभी भी आ जाओ, तुम्हारा ही तो घर है और मैं तो हमेशा घर पर ही रहता हूँ। ऐसे लोगों की निंदा भी होती है कि वे समय का कोई ध्यान नहीं रखते और अपना तथा दूसरों का वक्त खराब करते हैं, पर मेरा मत दूसरा है। ऐसे लोग ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि हम अनंत हैं और आत्मा अमर है। जल्दी वे करें और समय का ध्यान वे रखें। उनकी उम्र 50-60 वर्ष की होती है, हमारी उम्र तो करोड़ों साल है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। जो काम इस जन्म में पूरे नहीं हुए उन्हें अगले जन्म में पूरे कर लेंगे, या उसके बाद अगले जन्मों में। इस बार आत्मा ने मनुष्य का चोला लिया है, अगली बार वह मेंढक का चोला भी ले सकती है। तब मेंढक के रूप में हम वे काम पूरे कर लेंगे जो आदमी के रूप में भी नहीं कर पाए। जल्दी क्या है। हरिशंकर परसाई। पाठ 9। इतने ऊंचे उठो। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। नए हाथ में वर्तमान का रूप सवारो, नई तुलिका से चित्रों का रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो,
भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन हो। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन, रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे। दो कुरूप को रूप सलोना, इतना सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। पार्ट 10। टिंगू की क्या गलती थी। टिंगू ने एक रात निश्चय किया कि कल से वह बहुत अच्छा लड़का हो जाएगा, हमेशा अच्छे काम करेगा और दूसरों की भलाई करेगा। दूसरे दिन सुबह वह जल्दी उठा। उसने सोचा, अभी से दूसरों का भला करना शुरू कर देना चाहिए। उसने देखा कि बड़े भैया अभी तक सो रहे हैं। देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। फिर सोचा, सबसे पहले मैं भैया का भला करूँगा, उनमें जल्दी उठने की आदत डालूँगा। उसने भैया की रजाई खींचकर कहा, भैया उठो, देर तक सोना खराब बात है। भाई ने ऊ आ की और रजाई खींचकर करवट बदल कर फिर सो गए। टिंगू को तो भैया का भला करना ही था। वह ठंडा पानी ले आया और उनके मुंह पर डाल दिया। भैया चिल्लाकर उठ बैठे। उन्होंने टिंगू को दो चाटे जमा दिए। अब रोना भी ज़रूरी था। टिंगू थोड़ी देर रोता रहा। वह कहता जाता, हम तो भला कर रहे थे, उल्टे हमें मार पड़ गई। टिंगू थोड़ी देर टें टूं करके चुप हो गया। उसने सोचा, हमें निराश नहीं होना चाहिए, अच्छे काम करने में बाधा आती ही है। वह बड़ी देर सोचता रहा कि अब किसका भला करना चाहिए। उसके पिताजी की सिगरेट की डिब्बिया देखी। उसने मन में कहा, बस अब पिताजी का भला करूँगा, सिगरेट पीना खराब बात है, पिताजी को सिगरेट नहीं पीने दूंगा। उसने सिगरेट का पैकेट उठाया और नाली में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद पिताजी ने हल्ला मचाया, मेरा सिगरेट का पैकेट कहाँ गया। बड़ी देर बाद टिंगू ने कहा, मैंने नाली में फेंक दिया। पिताजी को गुस्सा आया, वह चिल्लाए, क्यों फेंक दिया। टिंगू ने कहा, बाबूजी सिगरेट पीना खराब बात है ना। पिताजी को और गुस्सा आया। उन्होंने टिंगू को एक चाटा जड़कर कहा, उल्लू कहीं का, मेरा चाचा बनकर मुझे सहारता है। टिंगू एक कोने में जाकर फिर रोने लगा। दो आदमियों का भला करने में तीन चाटे पड़ गए। उसने सोचा, अब क्या करूं, इतना मैं बूढ़े बाबा ने पुकारा, टिंगू इधर आना। टिंगू ने कहा, हम नहीं आते। क्यों, बाबा ने पूछा। टिंगू ने कहा, पुस्तक में लिखा है कि अच्छे लड़के बुरे आदमी की संगति नहीं करते। हम अच्छे लड़के हैं, आप बुरे आदमी हैं। टिंगू की माँ ने सुना तो उन्होंने डांटा, क्यों रे, बाबा से इस तरह बोलते हैं, उन्हें बुरा आदमी कहता है। और माँ ने टिंगू की पीठ में एक घूसा मारा। उसने कहा, बाबा बुरे आदमी हैं, हजार बार हैं, उन्होंने कल पिताजी से छिपकर तुमसे लड्डू मांगकर नहीं खाए थे। बात सही थी, डॉक्टर ने बाबा को ऐसी चीज़ें खाने की मनाही की थी। टिंगू की माँ घबरा उठी, पिताजी ने बातें सुन ली थी, उन्होंने बाबा और माँ को डांटा। टिंगू ने सोचा, यह भी अजीब बात है, मैंने अच्छा लड़का बनने की कोशिश की तो घर में लड़ाई हो गई, मुझे घूसे थप्पड़ पड़े, सो अलग। टिंगू ने सोचा, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वह भगवान के चित्र के सामने खड़ा हो गया, आंखें बंद कर ली। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान दया निधान, तुम सब पर कृपा करते हो, सबकी इच्छा पूरी करते हो। सड़क पर वकील साहब के अहाते में अमरूद का पेड़ है, अमरूद पक गए हैं, उन्हें देखकर मेरी लार टपकती है, कमीज खराब हो जाती है, पर सड़क से उन तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता। हे भगवान, तू उसकी एक डाल को सड़क की तरफ इतना झुका दे कि मैं अमरूद तोड़ सकूं। टिंगू के बड़े भैया यह सब सुन रहे थे। उन्होंने पीछे से आकर टिंगू का कान पकड़ लिया। टिंगू ने घबराकर आंखें खोल दी।
वह समझा कि भगवान ने ही कान पकड़ लिया है। देखा तो भैया खड़े हैं। भैया ने पूछा, क्यों रे, भगवान से चोरी में सहायता करने की प्रार्थना करता है? टिंगू ने कहा, तो क्या हुआ, हमारी पुस्तक में कहानी है कि एक लड़के के लोटे से दूध गिर गया था। उसने भगवान से प्रार्थना की, उन्होंने उसका लोटा भर दिया। वह तो बच्चों के लिए ऐसा करते ही रहते हैं। यह सुनकर बड़े भैया खूब हंसे। उन्होंने टिंगू का कान जोर से खींचा। अब टिंगू बड़ा परेशान हुआ। हर अच्छा काम करने पर चाटा पड़ जाता या कान खींचा जाता था। उसने सोचा, कुछ भी हो, मैं अच्छे काम करूंगा और अच्छा लड़का बनूंगा। स्कूल जाने का समय हो गया। माँ ने कहा, टिंगू स्कूल क्यों नहीं जाता? टिंगू ने कहा, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, घर पर ही मास्टर साहब का फोटो सामने रख कर पढ़ा करूंगा। माँ ने पूछा, तू पागल हो गया है क्या? टिंगू ने कहा, मैंने एकलव्य की कहानी पढ़ी है, गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। तब उसने गुरु की मूर्ति बनाकर उसके सामने तीर चलाने का अभ्यास किया और सबसे आगे बढ़ गया। मुझे भी कल मास्टर साहब ने कक्षा से निकाल दिया था, मैं भी उनका फोटो सामने रखकर यही पढ़ूंगा और कक्षा में पहला नंबर ले आऊंगा। माँ उसकी बात सुनकर हंसी, फिर सबने मिलकर उसे डांटा और स्कूल भेजा। टिंगू बस्ता लटकाए रोता रोता स्कूल पहुंचा। उसने आंसू पोंछ लिए, तय किया कि चाहे जो हो जाए अच्छे काम जरूर करूंगा। उसने पुस्तक में पढ़ा था कि जब गुरुजी दिखें उन्हें आदर से प्रणाम करना चाहिए। उसने अपने शिक्षक के सामने जाकर कहा, प्रणाम गुरुजी। वह बरामदे में आते दिखे तो फिर उसने कहा, प्रणाम गुरुजी। छुट्टी में वह मैदान में दिखे तो फिर उसने कहा, प्रणाम गुरुजी। उसने 10-12 बार प्रणाम गुरुजी किया। इससे शिक्षक परेशान हो गए। उन्होंने समझा कि वह उनकी हंसी उड़ा रहा है। उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने डांट कर कहा, क्यों रे, यह तूने क्या लगा रखा है, दिन भर प्रणाम गुरुजी करता है, जा बेंच पर खड़ा हो जा। उसकी कक्षा के लड़के उसे देखकर हंसने लगे। उसे बुरा लगा। उसका मन हुआ कि एक एक को पीटे। फिर उसने सोचा कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसने लड़कों से कहा, मैं अच्छा लड़का हूँ इसलिए क्रोध नहीं करता, मुझे गुस्सा आ जाएगा तो तुम सबके मुंह तोड़ दूंगा, अभी सबको माफ़ कर रहा हूँ। इस पर लड़के और ज़ोर से हंस दिए। शिक्षक ने उसे कहा, बहुत बकबक कर रहे हो, जाओ कक्षा से बाहर निकल जाओ। टिंगू बस्ता लेकर बाहर आ गया। वह थोड़ी देर तक मैदान में घूमता रहा, फिर घर आ गया। शाम को उसने जल्दी भोजन किया और तुरंत सोने लगा। उसकी माँ ने कहा, टिंगू तू तो शाम से ही सोने लगा, पढ़ेगा नहीं? टिंगू ने लेटे लेटे कहा, अच्छे लड़के रात को ज़्यादा नहीं जागते हैं, वह जल्दी सो जाते हैं। माँ उसके पास आई। उन्होंने टिंगू का कान उमेड़ा। उसे उठाते हुए कहा, बड़ी बात बनाता है, पढ़ाई से जी चुराता है, चल पढ़ने बैठ। टिंगू जरा देर रोया, फिर पढ़ने लगा। वह सोचता रहा, मैंने आज दिन भर अच्छे काम करने की कोशिश की, प्रशंसा की बजाय मुझे 4 तमाचे पड़े, 2 घूसे पड़े, 3 बार कान उमेड़े गए, 3 बार डांट खाई, बेंच पर भी खड़ा किया गया, कक्षा से भी निकाला गया, पर मेरी क्या गलती है? टिंगू को कोई गलती समझ में नहीं आई। इस कहानी को पढ़ने वाले बताएं कि टिंगू की क्या गलती थी। हरिशंकर परसाई। पाठ 11, प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करघनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला पड़ा है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को अब मौका मिला। अब वह घी दूध पर जुट गई। रामू की बहू
की जी जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते उग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध रखकर मिसरानी को जिंस देने गई और दूध नदारद। अगर यह बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परख गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया था कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चा बंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाली विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उसको हाथ ना लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे में एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। राम की बहू उसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा कि रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कानों में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे बास ना बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किसी दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और देखती है कि कबरी दहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, उसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की दहरी पर रख कर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी बिल्ली दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली ना डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज तो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। अब रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही हैं। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माजी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिसरानी बोली, माजी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनाऊंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बहू या क्या कर डाला, मेहरी ने कहा। फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुलाया जाए। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह आस पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू
सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वह उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन मत बनाना, लाल घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख छोटे से नाटे से आदमी थे, लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, मूंछ बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिस रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियाँ बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक का पता लग सकता है? पंडित परम सुख ने पन्ना देखते हुए कहा, अकेले बिल्ली की हत्या से तो नरक काम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तो नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिस रानी जी ने कहा। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान है, रामू की माँ। या तो बड़ा बुरा हुआ, रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलवाया है, अब आगे बताएं कि क्या किया जाए। किया क्या जाए, यही सोने की एक बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? पंडित परम सुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, परंतु अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही, सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आँख फाड़ कर के पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोले सोना! पंडित जी, या तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से कम ना निकलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोले सोने की बिल्ली? अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़ गया, बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पूजा कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? रामू की माँ ने पूछा। अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे, दान के लिए करीब 10 गन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, 1 मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और 1 मन भर नमक भी लगेगा, बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा, फिर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो, यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी है।
और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में वैसा खर्चा भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़ी हैं। अरे 150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या क्यों, ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य से किफ़ायत ठीक नहीं। मिसरानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च कौन अखरेगा। रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ थे। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुँह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पतरा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिसरानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ से 21 रुपया और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों का भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोंध तो देखो। मिसरानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ, रामू की माँ 11 तोला सोना निकालू, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊँ, 2 घंटे में लौटूंगा, तब तक पूजा का प्रबंध करवाओ और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि मेहरी हाँफते हुए कमरे में घुसी और सब लोग चौंक गए। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री। मेहरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। पाठ 12, मधुमक्खियों का जीवन। दुनिया भर में कीट पतंगों की कितनी जातियाँ हैं, उनमें मधुमक्खियों के शरीर का ढांचा पंख रहित होता है। बहुत बाद में पंखों वाली जातियाँ अस्तित्व में आईं। विश्व में इनकी मुख्यतः 4 जातियाँ हैं। इनमें 2 जातियाँ छोटी मक्खी की है, जो एपिस फ्लोरिया व एपिस डॉर्सेटा के नाम से जानी जाती हैं। ये भारत, मलाया, श्रीलंका, म्यांमार तथा चीन आदि देशों के जंगली व पर्वतीय इलाकों में पाई जाती हैं। ये आकार में छोटी होती हैं तथा खुली जगहों पर छत्ता बनाती हैं। एपिस डॉर्सेटा बेहद जहरीली किस्म की है और कई बार मनुष्य के लिए जानलेवा सिद्ध होती है। इनमें पुतिका, पिंगल जाति, पीली किस्म, मधुमक्खियाँ विषैले फूलों से भी मधु संचय करती हैं। 2 अन्य जातियाँ एपिस सरेना और एपिस मोलीफेरा हैं। एपिस सरेना भारतीय किस्म की है तथा मैदानी इलाकों में रहना पसंद करती हैं। भारत के अलावा ये मलाया और मेडागास्कर में रहती हैं। ये अपना छत्ता गुफाओं, दीवारों, घरों और वृक्षों आदि पर बनाती हैं। एपिस मैलीफेरा दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली 2 तरह की मक्खियों का मिला जुला नाम है। उन्हें एक ही जाति की संतान माना जाता है। यह जाति तमाम दुनिया में फैली हुई है। मधुमक्खियों की 3 किस्में हैं, जो मादा रानी मक्खी, मादा कामगर मक्खी व नर मक्खी के नाम से जानी जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्थान मादा रानी मक्खी का है। उसकी आयु 4-5 वर्ष होती है व आयु भर अंडे देने का काम करती है। रानी मक्खी 1 मिनट में कई व दिन भर में कई हजार अंडे देने में सक्षम होती है। अंडे सेने वाले तथा ना सेने वाले 2 तरह के होते हैं। ना सेने वाले अंडे छत्ते के छेदों को बढ़ाने में सहायक होते हैं, जबकि सेने वाले अंडे से मक्खियां पैदा होती हैं। अंडे में से जो बच्चे निकलते हैं उनमें कई रानियां भी होती हैं। बड़ी रानी उन्हें
मारने का यत्न भी करती है ताकि ये उसकी बराबरी ना कर सके। किंतु कामगर मक्खियाँ इन कुंवारी रानी मक्खियों को बड़ी सेवा करते हैं और इन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाती हैं। कुंवारी रानी मक्खी युवावस्था में छत्ते से बाहर निकलकर एक विशेष आवाज़ निकालती है। अन्य कुंवारी रानी मक्खियाँ भी बाहर आ जाती हैं। तब इनकी आपस में लड़ाई होती है, जो जीतती है वही जीवित रहती है। छत्ते में सबसे अधिक संख्या मादा कामगर मजदूर मक्खियों की होती है। ये अंडे नहीं देती। छत्ते का तमाम कार्य इन्हीं के जिम्मे होता है। एक छत्ते में ये कई हज़ार होती हैं। छत्ता बनाने के बाद शहद एकत्र करने के अलावा ये रानी मक्खी की ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं। उसे साफ़ करती हैं, उसकी मालिश करती हैं और बढ़िया से बढ़िया खाना मुहैया करवाती हैं। अंडे से बच्चे निकलने पर मजदूर मक्खियाँ बड़ी तत्परता से उनकी देखभाल करती हैं तथा दुनिया का सामना करने लायक होने तक उनकी देखभाल करती हैं। नित्य प्रति से मक्खियाँ एक निश्चित समय तक फलों फूलों का रस एवं पराग एकत्र करती हैं। मात्र 5 ग्राम शहद एकत्र करने के लिए मक्खियों को 50 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। रानी मक्खी बच्चे बड़े हो जाने पर अन्य मक्खियों के साथ लेकर नई जगह की तलाश में उड़ चलती है तथा ये सभी किसी पेड़ दीवार अथवा गुफा के मुहाने पर बैठ जाती हैं। मजदूर मक्खियाँ नया छत्ता बनाने में व्यस्त हो जाती हैं। मधुमक्खियाँ आकार में जितनी छोटी होती हैं मजदूर मक्खियाँ उतनी ही समझदार मालूम पड़ती हैं। बच्चों के पालने पोसने हेतु जो छत्ता ये बनाती हैं वह बेहद खूबसूरत होने के साथ ही अनोखा होता है। अचरज में डालने वाले या चमत्कारिक एवं कलात्मक छत्ता बहुत ही सुरक्षित स्थान पर फूलों की क्यारी अथवा हरियाली से आसपास बनाया जाता है। प्रत्येक छत्ते में कई कोष्ठ होते हैं और हर कोष्ठ में 6 कोने बने होते हैं। इन कोष्ठों में भारी भरकम शहद तो सुरक्षित रहता ही है, साथ ही ये मक्खियों के अंडे बच्चों आदि हेतु भी बढ़िया आश्रय स्थल हैं। छत्तों में तीनों तरह की मक्खियों के रहने की व्यवस्था भी अलग अलग होती है। ये अचरज की ही बात है कि छत्ते के तापमान को घटाने बढ़ाने से लेकर फूलों का रस निकालना व पानी एकत्र करना उन्हीं के जिम्मे हैं। कामगर मक्खियाँ खेतों वनों और जंगलों से अनेकानेक फूलों का रस अपने पेट में एकत्र करती हैं। ये जब मुंह से लंबी लंबी नली को फूलों में गड़ाकर रस व पराग को चूसकर ऐसा करती हैं, मक्खियों के पेट में यह रस अनेक प्रकार के रूपांतरित होकर शहद व मोम का रूप धारण करता है। इसके बनने में मधुमक्खियों के शरीर की भीतरी लवण क्रिया बेहद सहायक होती है। शहद वस्तुतः मकरंद पुष्प रस है जो मक्खियों की लार द्वारा फलों की चीनी में परिवर्तित होता है। मक्खियां इसे अपने ही मोम द्वारा बनाए गए छत्तों में जमा करती हैं। शहद 8 प्रकार का होता है। विभिन्न फूलों पेड़ों एवं जंगलों के बाद एवं जंगलों के भेद से इसके गुणों एवं स्वाद में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता है। धतूरे के आसपास वाला शहद विषाक्त होता है। नीम के पेड़ का शहद कुछ बकबका पर उत्तम होता है। सरसों तुलसी और अन्य औषधीय पेड़ पौधों से प्राप्त शहद भी श्रेष्ठ होता है। यह सफ़ेद गाढ़ा पीला प्रगाढ़ लालमिया युक्त भूरा अंबर व काले रंगों से पाया जाता है। इसमें 80 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसी कारण आयुर्वेद ने इसे अमृत की संज्ञा दी है। शुद्ध शहद में प्रायः 1 समान रासायनिक अंश प्रतिशतता होती है। इसमें 3 प्रकार की शक्कराएं पाई जाती हैं जो क्रमशः फूलों की अंगूर की व गन्ने की शक्करा के नाम से जानी जाती है। इन 3 शक्कराओं में अंगूरी शक्करा सीधे रक्त में मिलने वाली है। शक्करा के अतिरिक्त शहद में अम्ल प्रोटीन लौह तांबा मैंगनीज पोटेशियम सोडियम फास्फोरस कैल्शियम माल्टोस क्लोरोफिल आयोडीन कैरोटीन एमिनो एसिड तथा विटामिन ए B6 B2 और सी पाए जाते हैं। शहद में 42% विशुद्ध ग्लूकोज रहता है। मिठास की इस अधिकता के कारण शहद में
विषाक्त जीव जिंदा नहीं रह पाते। अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर स्टुअर्ट वेंट ने लंबे अनुसंधान के बाद यह पाया कि घातक रोगों के रोगाणु शहद में रखने के बाद 2 से 5 दिन के अंतर नष्ट हो गए। संभवतः इसी कारण प्राचीन काल में लोग शहद से घावों की पट्टी करते थे। शहद तमाम खाद्य पदार्थों में उत्कृष्ट एवं गुणकारी है। तरल पदार्थों में इससे अधिक शुद्ध व मीठी चीज संसार में दूसरी नहीं है। यह गन्ने की चीनी से अधिक मीठा होता है। 1 किलो शहद में 3,500 कैलोरी होती है, जबकि गाय के 1 लीटर दूध में 602, 1 किलो सेब में 410, 1 पाउंड शहद में स्थिर अंडों से अधिक शक्ति होती है। यह स्वतः पचा हुआ भोजन है, इसलिए इसे पचाने के लिए शरीर को थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जीप पर रखते ही वह रक्त में के साथ घुलना शुरू हो जाता है। पार्ट 13, जलाओ दिए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मृत्यु मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का व किरण द्वार जगमग, उषा जाना पाए निशा आना पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी, कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर वहीं रहना जाए। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों न आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेगी तभी ये अंधेरी घिरी, जब स्वयं धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। गोपाल दास नीरज। पार्ट 14, लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि के मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको है ही समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोग साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीत के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संताल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ से बंध न सका और निर्धिद्व लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण
उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। हीर रांझा, सोहनी मलिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणता पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सौरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकार और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से बेदसिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, बिदेसिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों, परदेशी प्रेमी और प्रियाओं की बात रहती है और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आहला के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरी देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है, जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की हैं। है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें रचती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत एक दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों को अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, जौनार के, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो बारहमासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं।
दल बांधकर गाए जाते हैं। उनके कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है, तो सुनते ही बनती हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश में कश्मीर की कन्याकुमारी, केरल तक, कनियावाड़, गुजरात, राजस्थान में, उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पूट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रिज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। भगवत शरण उपाध्याय। पाठ 15। हर जीव का मूल। एक राजा था, उन्होंने आज्ञा दी कि संसार में इस बात की खोज की जाए कि कौन से जीव जंतुओं का उपयोग नहीं है। बहुत खोजबीन करने के बाद उनके जानकारी मिली कि संसार में दो जीव, जंगली मक्खी और मकड़ी, बिल्कुल बेकार हैं। राजा ने सोचा क्यों ना जंगली मक्खियों और मकड़ियों को खत्म कर दिया जाए। इसी बीच राजा पर एक अन्य शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा की हार हुई और जान बचाने के लिए उन्हें राजपाट छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। शत्रु के सैनिक उनका पीछा करने लगे। काफी दौड़ भाग के बाद राजा ने अपनी जान बचाई और थक कर एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी एक जंगली मक्खी ने उनकी नाक पर डंक मारा, जिससे राजा की नींद खुल गई। उन्हें ख्याल आया कि खुले में ऐसे सोना सुरक्षित नहीं है और वे एक गुफा में जा छिपे। राजा के गुफा में जाने के बाद मकड़ियों ने गुफा के द्वार पर जाला बुन दिया। शत्रु के सैनिक उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढते हुए गुफा के नज़दीक पहुँचे। द्वार पर घना जाला देखकर आपस में कहने लगे, अरे चलो आगे, इस गुफा में राजा आया होता तो द्वार पर बना ये जाला नष्ट ना हो जाता। गुफा में छिपा बैठा राजा ये बात सुन रहा था। शत्रु के सैनिक आगे निकल गए। इस समय राजा की समझ में यह बात आई कि संसार में कोई भी प्राणी या चीज बेकार नहीं। अगर जंगली मक्खी और मकड़ी ना होती तो उसकी जान ना बच पाती। भगवान की बनाई दुनिया में हर जीव का मोल है। कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए। संकलन कमला जवाहरलाल शर्मा। हंसी मजाक, चंद्रमा पर पहला पैर रखने वाला मनुष्य कौन था? अध्यापक जी ने नाजी से पूछा। नील आर्मस्ट्रांग, नाजी ने जवाब दिया। शाबाश, और दूसरा पैर रखने वाला कौन था? अध्यापक जी ने पूछा। दूसरा पैर भी उसी ने रखा होगा, उसे वहाँ कोई लंगड़ी खेलने तो भेजा नहीं था। तेजी से साइकिल चला रहे नाजी ने पैदल चलते हाजी को पीछे से जोर से टक्कर मार दी। हाजी जमीन पर गिर गए, कोहनियाँ छिल गईं, पजामा फट गया। उन्हें उठाते हुए नाजी बोले, बड़े मियाँ मिठाई बंटवाएं, आज मैं साइकिल पर हूँ, वैसे रोज तो मैं ट्रक चलाता हूँ। हाजी मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए नाजी मोबाइल सेंटर में घुसे। उन्होंने बड़ी देर में और बड़ी मुश्किल से एक मोबाइल पसंद किया और दुकानदार से पूछा, ये कितने का है? 7,000 का, दुकानदार ने बताया। बाप रे, हाजी बोले। फिर कुछ सोचकर उन्होंने पूछा, आपके पास इस कंपनी का आईपॉड भी है? है, वो कितने का पड़ेगा? बाप रे बाप रे बाप रे, दुकानदार ने कहा। मेरा पन्ना,
लोमड़ी और शेर। एक जंगल में लोमड़ी और शेर रहते थे। एक दिन लोमड़ी पानी पीने जा रही थी और उधर से शेर आ रहा था। जब लोमड़ी पानी पीने जा रही थी तो उसने शेर को देख डाला। लोमड़ी कांपने लगी। शेर बोला, अरे देखो लोमड़ी कैसे कांपने लगी। देखो मेरे से सब लोग डरते हैं। देखो जंगल का राजा मैं ही हूँ। तो सब बोले, नहीं हो तुम इस जंगल के राजा। फिर वो सब शेर को मारने लगे, तुम नहीं हो इस जंगल के राजा। प्यासी मछली। एक मछली थी। जहाँ वह रहती थी उस जगह का पानी सूख गया था। वह पानी की तलाश में वहाँ से चली तो उसे आगे ऊँट मिला। ऊँट बोला, मछली मछली तुम कहाँ जा रही हो। मछली बोली, मैं पानी की तलाश में जा रही हूँ। ऊँट बोला, अगर तुम ऐसे पैदल पैदल जाओगी तो रास्ते में पानी के बिना तड़प कर मर जाओगी। मछली बोली, थोड़ी देर में मैं वैसे भी मर जाऊंगी। इससे बढ़िया यह है कि मैं पानी ढूंढ लूँ, क्या पता बच जाऊँ। थोड़ी देर चलने पर मछली थक गई और तड़पने लगी। उसे एक पेड़ दिखाई दिया। वह उस पेड़ के नीचे थक कर गिर गई। उस पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। वह मछली को देखकर समझ गई कि यह पानी के बिना तड़प रही है। चिड़िया ने अपने घोंसले से दीपक निकाला और उसमें रखा पानी मछली को पिलाया। तब जाकर मछली की जान में जान आई और वह पानी की तलाश में निकल गई। पाठ 16। एक किरण। रेशम जैसी हस्ती खिलती, नभ से आई एक किरण। आंचल भरकर मीठी मीठी, खुशियां लाई एक किरण। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे, झिलमिल झिलमिल पत्तों पर। उनमें जाकर दिया जलाकर, ज्यों मुस्काई एक किरण। लाल लाल थाली सा सूरज, उठकर आया पूरब में। फिर सोने के तारों जैसे, नभ में छाई एक किरण। एक किरण से बदल गया जग, चिड़ियां गाती गीत चली। हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया सुबह हुई। नया नया मन ताज़ा जीवन, सब कुछ लाई एक किरण। श्री प्रसाद। पाठ 17। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार ही भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोपण का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुड़ी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? विवेकानंद और राम तीर्थ का आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष कहाँ है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय की महान संस्कृति सभ्यता वाला भारतवर्ष किस अतीत के गड्ढे में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। ऊपर की सतह पर जितना भी कोलाहल और उथल पुथल क्यों न दिखाई दे रही हो, नीचे शांत अचंचल गांभीर्य में अब भी भारत महान है, अनुकरणीय है। यह सही है कि इन दिनों अशांति का माहौल बना है। ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरी और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं।
ईमानदारी की मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। बात नई नहीं है, पर ऐसी विभस्ता शायद पहले कभी इतनी विकराल होकर नहीं प्रकट हुई थी। आज से 400 साल पहले बाबा तुलसीदास ने कुछ ऐसा ही माहौल देखा था। वे व्याकुल भाव से कह गए हैं, साधु साधुता सोचती, खल बिलसत हुलसती खलई है। परंतु आधुनिक साधनों और सुविधाओं के विकास के साथ साथ धन संग्रह की प्रवृत्ति को जैसा बढ़ावा इस समय मिला है, वैसा उन दिनों नहीं था। खलई का हुलास बेहिसाब बढ़ गया है, उन अनुपात में बल्कि कुछ अधिक मात्रा में ही। साधुता की सोच ही बड़ी है। तुलसीदास ने महान जीवन मूल्यों में आस्था नहीं छोड़ी थी, लगता है उनके समकालीन अधिकांश लोगों ने भी नहीं छोड़ी थी, पर आज भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत हाल मनुष्य निर्मित नीतियों की रूटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई होने पर उन्हें बदलती हैं। उहापो ग्रहण ताग्य संशोधन परिवर्तन का सिलसिला चलता ही रहता है। उथल पुथल भी होती है, कई बार दुर्व्यवस्था के कारण निरीह व्यक्तियों को कष्ट भी बढ़ता है। बहुत सुविधा भोगी वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विशेष बुरी तरह ध्वंस हो जाता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर मनुष्य समाज बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजर कर और भी जटिल हो जाता है। सबके लिए कभी भी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। मनुष्य और वृद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा रूटी युक्त हो जाती है। समाई कायदे कानून कभी युग युग में परीक्षित आदर्शों से टकराते भी हैं। इससे ऊपरी सत्ता आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, पर उनको प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया। इन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। अपने आप में यह लक्ष्य बहुत ही उत्तम है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः ही वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्तिचित सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है, वह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, किंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु रूढ़िग्रस्त हैं। वे कानून की रूटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त
प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी स्तर में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है और कठिनाई में पड़े हुए बेबस लोगों की सहायता करने में अपने को कृतकृत्य अनुभव करता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जब भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह सही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य ही मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को इतना ही रस लेकर उजागर नहीं करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोगों में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। मैं एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने गया। गलती से मैंने 10 रुपये के बदले 100 का नोट दे दिया। टिकट बाबू ने वह नोट रख लिया। मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और कहा, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विशेष संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, परंतु यही एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमको धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोग तरह तरह की बातें शुरू करने लगे। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया। परिवार सहित मैं अकेला था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर के आदमियों में डर समा गया था। कुछ नौजवान लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस को ठीक कराने का उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने और यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतना घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे लोग कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे खाना और पानी के लिए व्याकुल थे। मैं और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। उस बस में हमारी बस का कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, यह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला,
पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों की जान में जान आई। एक ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई? कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही ही नहीं? जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखूं जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं हैं जहां लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ठाठस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा खाना ही पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। संसार एते लभिते शती पाइले सुधु वंचना, तुमाके जेन न करी संशय। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें ला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ 18, पेड़ की बात। मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे, महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया, उसके बाद वर्षा की शुरुआत में दो एक दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की ज़रूरत नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो, और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया, दो सुकोमल पत्तियों के बीज अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। गांच का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। सभी काज बिरच में जड़ व तना ये दो भाग मिलेंगे। ये एक आश्चर्य की बात है कि गाज बिरज को जिस तरह भी रखो, जड़ नीचे की ओर व तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर ही। दो एक दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया है। उसकी पत्तियाँ और डालियाँ टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ आईं तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर खाई होगी। देखा, पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहेंगे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठाए हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाज बिरज भी उसी तरह ही भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाज बिरज के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य व वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाज बिरज जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाज बिरज ही वे तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। खुदरबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टतया देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नली है। इन्हीं सब नलियों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा गांच के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं।
पत्ते में अनगिनत छोटे मुंह होते हैं। खुदरबीन के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की ज़रूरत ना हो तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं और उसे बाहर निकालते हैं तो इस प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। ज़रा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखें। जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, गाज बिराज उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निशेष कर डालते हैं। प्रकाश न मिलने पर बच नहीं सकते। गाज बिरज की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधे रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ नहीं हैं। वन में जाने पर पता लगेगा कि तमाम गाज बिरज इस होड़ में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने की प्रकाश से अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वह पेड़ों से लिपटी हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का परस पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। गाछ बिरज के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। गाछ बिरज व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु डागर पेड़ पौधे हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रकाश करता है। अनाज व सब्जी ना खाने पर हम भी बच नहीं सकते हैं। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाकर ही जीवित हैं। कोई पेड़ एक वर्ष के बाद मर जाता है। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। बीज ही गाज बिरज की संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचो तो। गाज बिरज तो मटमैली माटी के आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। फिर इस अपरूप उपदान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं, कथा सुनी होगी स्पर्शमणि की, पारस पत्थर की, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। मेरे ख्याल से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह निछावर होते ही फूल खिलखिला उठता है। ममता का परस ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है, शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर गाज बिरज की अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार सकते हैं, कहाँ हूँ मेरे बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियाँ दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ बिरज की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते, पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों ओर सुगंधी सुगंध फैला देते हैं। गाँच अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से बिरज का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में पराग कण देखे होंगे। मधुमक्खियाँ एक फूल के पराग कण दूसरे फूल पर ले जाती हैं।
पराग कण के बिना बीज पक नहीं सकता। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर बिरच बीजों का पोषण करता है। जब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है, तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती है, पत्ते हवा के संग कृणा करते हैं। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगता ही वह थरथर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ टूटकर जमीन पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्योछावर करके बिरच समाप्त हो जाता है। जगदीश चंद्र बसु। पाठ 19, सांस सांस में बास। एक जादूगर थे चंग की चगलनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायात में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सातों राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने डलियानुमा चीज़ें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपचियां से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, रेलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपचियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। खपचियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपचियां तैयार की जाती हैं। खपचियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हरेक गठान में काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपचियां काटी जाएं। यानी कहां से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है।
चौड़ी खपचियाँ किसी काम की नहीं होती, इन्हें चीर कर पतली खपचियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपचियाँ लचीली होती हैं। खपचियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दाया अंगूठा दाव की अंदर की ओर दबाता है और दाव खपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल से लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिज़ाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। टूइल बुनना हो तो हर एक बाना दो या तीन तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिर पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरे को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। पार्ट 20, अनोखा पुरस्कार। समय शाम, पात्र राजा वनरक्षक सरदार, स्थान जंगल का रास्ता। राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा है। राजा यकायक पहुंचकर, यहाँ तो किसी के घर का रास्ता है, यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। खड़े खड़े होठों पर उंगली रखकर, मैं राजा हूँ। आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता। वह बढ़ता ही आ रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल भटक सकता हूँ। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मनाती हैं, उस समय सब चुप हैं। दरबार में बढ़कर बातें करने वाले मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। और ये बढ़िया बढ़िया चमकीले कपड़े, ओ, मुझे बहुत भारी लग रहे हैं। आज मेरा सारा अभिमान मुझे झूठा जा पड़ रहा है, हंसता है। अच्छा हुआ, मुझे पता तो चल गया कि मैं वास्तव में राजा ही नहीं, मनुष्य भी हूँ। किसी की आहट सुनता है, कोई आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ लो। वन रक्षक का प्रवेश। वन रक्षक, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया, तुम कौन हो? राजा, मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। वन रक्षक, अच्छी बात है। किसने बंदूक चलाई? राजा, मैंने नहीं चलाई। वन रक्षक तिरस्कार के स्वर में, तुम झूठ बोलते हो। राजा, मन में झूठ बोलता हूँ? कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। प्रकट में, तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। वन रक्षक, अच्छा अच्छा, इधर आओ, तुमने राजा के एक हिरण को गोली मारी। क्या नहीं मारी? राजा, नहीं, सचमुच नहीं, मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी है और मुझे भय है कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। वन रक्षक, मुझे यकीन नहीं। खैर, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? राजा, गंभीर होकर, मेरा नाम? वन रक्षक, हाँ, तुम्हारा नाम। तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो? राजा, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। वन रक्षक, हो सकता है, पर यही प्रश्न है जिनके उत्तर देने में सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर,
अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो मैं तुम्हें बाहर निकाल आऊँ। राजा, शुभ्ध होकर, तुम किस अधिकार से? वन रक्षक, मैं राजा का वन रक्षक पुंडरिक हूँ। इस अधिकार से? राजा, गौर से देखकर। पुंडरिक? वन रक्षक, अकड़ के साथ। जी हाँ, पुंडरिक, किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से नहीं जाने देता। राजा, अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो, अगर तुम विश्वास करो। वन रक्षक, नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। राजा, मैं राजा का एक अफसर हूँ, मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। वन रक्षक, इसमें सच्चाई की कमी है, अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? राजा, घोड़ा थक कर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। वन रक्षक, यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास ना करूं? राजा, मैं झूठ नहीं बोलता भले आदमी। वन रक्षक, वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते? राजा, खैर तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। कहो तो प्रमाण दिखा दूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेब से एक रुपया निकालकर और पुंडरिक की ओर बढ़ाकर, यह लो इनाम और रात को मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। वन रक्षक राजा का मुंह देखता है। राजा, यदि यह कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। वन रक्षक जोर से हंसकर, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए एक छोटी सी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त पुंडरिक दरबारी नहीं है। राजा क्रोध से, तू एक नीच आदमी है, जबान संभाल कर नहीं बोलता, मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। वन रक्षक लापरवाही से, तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको, मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। राजा शांत होकर, क्षमा करो मित्र। वन रक्षक मुस्कुराकर, मैं क्रोध में नहीं हूँ, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं खिला सकता। राजा, तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिला सकता हूँ? वन रक्षक, ओह, तुम जैसा मुनासिब समझो करो, राजधानी यहाँ 10 मील पर तो है, तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आँखों पर रहो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। राजा, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? वन रक्षक, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। राजा, तब तो चलो, मैं तुम्हारे घर में रात काटूँगा। घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश। सरदार, महाराज कुशल से तो हैं, महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान लिया। वन रक्षक चकित होकर, आंखें फाड़कर, कौन, महाराज? तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई, घुटने टेक कर, महाराज आपके साथ जो मैंने ठिठाई की उसे क्षमा कीजिए। राजा तलवार खींचता है। वन रक्षक, महाराज आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन किया है। राजा, नहीं मेरे सच्चे और बहादुर मित्र, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। उठो राज रतन पुंडरिक, उठो, अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह या तलवार लो। तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1,000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुम्हें जीवन भर मिलता रहेगा। पुंडरिक, महाराज पुरस्कार कैसा, मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया। राजा तलवार देता है। पुंडरिक घुटने टेक कर उसे दोनों हाथों से लेता है और माथे से छुआता है,
फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा, पुंडरिक, पुंडरिक, महाराज, राजा, चलो हमें महल तक पहुंचा जाओ, आज तुम हमारे मेहमान रहोगे। पुंडरिक प्रसन्न होकर सिर झुकाकर, जो हुक्म महाराज। राजा सरदार के घोड़े पर सवार होता है, उसके आगे पुंडरिक रास्ता दिखाता चलता है और सरदार राजा के पीछे जाता है। पर्दा गिरता है। राम नरेश त्रिपाठी।